रतन लाला मैं आपने ऋषि को ज्यादा नहीं देखा क्योंकि भाई साहब अपना पैर फ्रैक्चर करके बैठे थे पहले ही शॉट में। ये पांचवी बंदे से कूद गए थे ना। जब भी गाना देखता हूं तो पसीना आ जाता है। कितनी मतलब उन्होंने रिहर्सल किए एक स्टेप की अपने किड्स में और जब टेक की बारी आई तो मोजड़ी पहन ली और हाँ जो है वो मतलब अपना पैर फ्रैक्चर करके बैठ गए। तो इसलिए मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ या गाना अच्छा गा लेती हूँ। No, thank you. I really hope आपको ट्रेलर अच्छा लगा हो, गाना अच्छा लगा हो। शबीना ने बहुत अच्छा काम किया है गाने पे। That's it. We really hope that आपको अच्छा लगा कि नहीं? बहुत सैड सा था, कोई बात नहीं, ठीक है। No, thank you so much for coming here and seeing the trailer, seeing the song was actually a surprise. We never thought ki wo dikhane wale hai aaj. Aur Govind ji, jaise inhone already introduction de diya hai Govind ji ke bare mein, mujhe zyada bolne ki zarurat nahi hai, but he is the most jo homework karta hai na banda, to wo homework itna thorough tha unka aur unhone kaam itna acha karwaya hai hamare paas se. And of course the producers, unhone hame koi takleef nahi di, unhone they made sure that their actors were taken care of and they were really taken care of, like I literally mean it. So thank you and let's hope for the best for Ramratan. Rishi bolenge, we gonna end. Main gaana hai. Govind ji ne bahut acha kaam kiya hai, dobara repeat kar deta hu. Aur hamare producers jo hai, inke bare mein main hamesha ek hi baat bolta hu ki jo hamare yahan 10,000 filmein jo release hoti hain, banti nahi jo release hoti hain, उनमें से एक ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो जो मांगते हैं वो मिलता है। थैंक यू सो मच, और वो चीज़ पर्दे पे नज़र भी आती है। और थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पर आए, आपको ट्रेलर अच्छा लगा, तो हम और अच्छा करेंगे आगे। ऋषि जी एक सवाल मेरा, आपने ट्रेलर में टिप्स दी थी कि आप घर की रोटी भी खा पाएंगे और चिकन, तो वो तो बस यही याद रहा है ना। नहीं, वो बीइंग अ गर्ल मुझे याद रहा, तो यहाँ ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ी सी टिप्स, क्योंकि यहाँ भी सब चिकन खाना चाहते हैं विद दाल। अब मैं सुधर गया यार, बहुत सुधर गया, वही क्लाइमेक्स है। सर माइक में, और हमारे राम ये हैं, वैसे हमारे राम ये हैं। जहाँ गोविंद जी कह रहे हैं सबको रतन नहीं मिलेगी, तो आप घर की दाल ही खाइए। और एनी क्वेश्चन प्लीज। क्या खास बात देखी अपने किरदार में, क्योंकि हेट स्टोरी के बाद काफी लंबा समय लिया आपने, तो क्या खास बात देखती है कोई भी किरदार चुनने से पहले, और इस किरदार में क्या खास बात देखती है? मैंने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि हेट स्टोरी जो मैंने की थी वो एक मोल्ड ब्रेक करने के लिए की थी, मुझे वो जॉनर में पूरी तरह से नहीं जाना। और जब मुझे गोविंद जी ने ये फिल्म का नरेशन दिया, इट इज़ अ वेरी सेफ सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैरेक्टर है वो बहुत ही होमली है, बहुत सारी जो हाउस वाइफ्स है वो बहुत कनेक्ट करेगी, एंड अगेन इट्स अ वेरी सेफ सब्जेक्ट आई वुड से, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन है, फन है, कॉमेडी है, एंटरटेनिंग है। सो वॉट एक बंदा अगर थिएटर में जाता भी है फिल्म देखने के लिए, सो ही इज़ गोइंग टू द थिएटर फॉर हैविंग अ गुड टाइम, नॉट टू क्राई। सो मेरे पास जितनी भी फिल्में आई थी वो या तो हेट स्टोरी जॉनर की थी या तो फिर डार्क फिल्म्स थी। सो आई डिडंट वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट, आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच इज़ रियली लाइट, एंड दैट इज़ द रीज़न आई टुक ऑन रामरतन। मतलब हर फिल्म जो अभी आगे आने वाली है आपकी, उसके अंदर आपके अलग किरदार और अलग जॉनर की होने वाली? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग कैरेक्टर्स प्ले करूँ और वही दिमाग में रखती हूँ। तो आई थिंक फ्रॉम जय हो टू हेट स्टोरी टू राम रतन, तीनों अलग कैरेक्टर्स हैं, और जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके अंदर भी होपफुली डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है, कोई ड्रीम है? आई थिंक मुझे एक बायोपिक करनी है, पर वो नहीं पता किसकी अभी तक, पर बायोपिक इज समथिंग दैट आई वुड रियली वुड लव टू डू। ऋषि कैसा एक्सपीरियंस रहा डेजी के साथ काम करने? यार बहुत ही अच्छा रहा, और झूठ बोलूं सच? क्या सुनना चाहते हैं आप, सच सुनना चाहते हैं या झूठ सुनना चाहते हैं? ऐसी कोई चीज है जो आप डेजी की रिवील करना चाहते हैं? नहीं, मैं उससे पूछ तो लूं चाहता क्या है।
आपको जो ठीक लगे बोल दीजिए। नहीं यार बहुत अच्छा मजा आया और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए फिल्म करते करते और वो स्क्रीन पे नजर भी आता है और एक्टिंग जो है यार वो गिव एंड टेक है, जैसी सामने से परफॉर्मेंस आती है वैसे आप भी परफॉर्म करते हैं, तो वो वंडरफुल एक्ट्रेस है और करते करते मैं भी सीख गया। माइक प्लीज। फिटनेस के बारे में हमने काफी बात करी। Okay, Daisy, with all due respect, the people here on board, you know, here, if you can hear this. Oh, yeah, hi. Hi, Louis. You know, aap ek, is film ki agar main Ramratan ki baat karun, aap sabse senior hai, umar ke lihaz se nahi, you are still very young. लेकिन थैंक यू प्रिसाइसली बताने के लिए। वो यकीनन नहीं तो आप ये पॉइंट आउट करती, नहीं मैं तो अभी भी बहुत वन भी एग्री। तो डू यू थिंक द रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर गोज अप, क्योंकि अगर कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें तो ये आपकी जिम्मेदारी है थिएटर्स को ऑडियंस तक लाना, बिकॉज लोग डेजी को जानते हैं, डेजी शाह को जानते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत ही सही है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ये भी जानती हूँ कि एक फिल्म मेकिंग जो होता है वो टीम वर्क होता है, एक बंदे के कंधे पे नहीं चलता है वो, ठीक है। अब एज पॉपुलैरिटी के हिसाब से बोल दो कि डेजी का नाम लोग ज़्यादा जानते हैं, सो आई रियली होप कि डेजी के नाम से लोग ज़्यादा है, बट इट्स नॉट अबाउट डेजी, इट्स अबाउट द डायरेक्टर एंड द फिल्म एंड द को एक्टर एंड मी। सो आई थिंक वी हैव रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स अच्छी फिल्म बनाने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है, और आई थिंक आई पर्सनली फील के I really hope that audience जब trailer देखे तब उन्हें ये feel हो। And रही बात जिम्मेदारी की, हाँ वो है, पर I will try my best, मुझे जितना promote करना होगा मेरी film को मैं उतना ही मतलब उतना करूँगी। Okay, फिल्मी career आपके फिल्मी career से लेकर अब तक जो भी आप फिल्में करती आई हैं, हमेशा सलमान का बहुत suggestion लेती आई हैं आप, किसी भी लिहाज से क्या सलमान को आपने फिल्म का trailer दिखाया रामरतन का या दिखाने वाली हैं? There we go again, मतलब यहाँ इतने सारे कैमरेज हैं ना, अगली बार मुझे नहीं पूछना कि आप जब देखो तभी सलमान का नाम क्यों लेती हो, मुझे अभी सलमान खान के बारे में पूछा गया है। यकीनन। तो मैं अभी से बोल देती हूँ। प्लीज गो अहेड। नो, मैं सजेशंस लेती हूँ उनका, ऑब्वियसली उनके प्रोटेजी होने के नाते मुझे आई थिंक इट्स माई सॉलम ड्यूटी टू डू दैट, और मैंने उनको नंदलाला गाना दिखाया था एंड ही रियली लाइक द सॉन्ग। गोविंद जी, उन्होंने आपके बारे में भी बहुत सुना है, उन्होंने ये भी सुना है कि आप आपकी गुजराती फिल्म्स ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है, so and that is the reason I think he gave me a he gave me a tick saying that okay karo, because a person who's directed so many films in his mother tongue has done really well, so I don't think there's any negative aspect in this, so please go ahead and do the film. There also report you're doing Race 3 with Salman, how true it is? It is as true as you think. okay, now Race 3 ke bare mein jitna aapne suna hai उतना ही मैंने सुना है, आपको जितना अवेयरनेस है उसके बारे में, हाउ मच यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, इट्स दी ओनली थिंग दैट आई एम अवेयर ऑफ इट, सो देयर इज नथिंग मोर विच आई कैन से। मैं खाली इतना कहूँगी कि जब जय हो रिलीज़ हुई थी तब रमेश जी के साथ मेरी बात हुई थी, रमेश जी हैड कंसिडर्ड मी फॉर वन ऑफ द रोल्स इन रेस 3, एंड उसके बाद हमारे जय हो को बताया गया था कि इट वॉज एन एवरेज फिल्म। वेल ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि सलमान खान की फिल्म अगर 200 करोड़ ना करे तो वो फ्लॉप डिक्लेयर की जाती है, बट एज अ डेब्यूटेंट माई फिल्म डिड 100 करोड़ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। सो नाउ द थिंग्स आर रियली चेंज्ड, लोगों का माइंडसेट बहुत काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हेट स्टोरी रेस 3 कर रही हूँ तो आई वुड रियली होप दैट हैपेंस सून। कोई खास प्रोमोशनल स्ट्रेटेजी भी है और वो जानना चाहूंगा, और उसके अलावा 1100 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में होगी या सिंगल स्क्रीन को आप टारगेट कर रहे हैं? सही बात है आपकी, लेकिन आज काफी अच्छा कर रही है, मतलब मराठी और गुजराती फिल्में छेलो दिवस काफी अच्छा कर चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
मेरी हर गुजराती फिल्म है वो जितनी भी बनाई वो सब पहले से हिट बनाई है. अभी चलो दिवस आई या कोई और आ जाएगी, लेकिन एक सपना होता है कि मैं भी बॉलीवुड में जाए. जैसे आप बैठे पूछे तो मैं भी सोच रहा था कि मैं भी बॉलीवुड में जाऊँ, है ना. तो सो बना ली. और वैसे भी मेरा जो फिल्म बनाने का जो कहानी है, डेजी ने बताई सारी कहानी जो भी है, अब देखोगे तो आपको थोड़ी देर तो लगेगा ये गुजराती चल रही, लेकिन अच्छी चल रही है. फ्लेवर पूरा गुजराती है. मैं कहीं हटा नहीं हूँ, गुजरात से बाहर निकला ही नहीं हूँ. और दूसरी बनाऊंगा वो भी ऐसे ही बनाऊंगा गुजरात को ध्यान में रखकर. Any more questions? Desi ji, hi on your. आप सर के साथ में फिल्म में काम करती हैं और जब आप एक न्यू कमर के साथ में काम करती हैं तो कितना डिफरेंस होता है आपके लिए, कितना डिफरेंट होता है आपके दिमाग में? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो स्विच होता है ना सुपरस्टार और न्यू कमर का, वो ऑफ करना पड़ता है. अगर आप वो ऑफ नहीं करोगे तो आप अपना कैरेक्टर ही नहीं निभा पाओगे. उनके चक्कर में आपने अपने पाँव भी तोड़ लिए, मतलब क्यों हम ऐसा माने कि वो इतनी ब्यूटीफुल है कि देखो मैं अलग से बता दूंगा सब. नहीं कैमरे चाहिए हमें जो भी बताओ. क्या अलग से क्या जानना है? कैसा रहा एक्सपीरियंस पहले तो ये वही सेम चीज दोबारा. हाँ पैर तोड़वाने का या पैर तोड़वाने का? अच्छा पैर तोड़वाने का यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यार. 2 महीने बेड पे बड़ा मजा आया और वर्कआउट नहीं करना पड़ा, बड़ा अच्छा लगा यार. 4 दिन करी थी रिहर्सल हमने. हाँ 1 दिन पैर तोड़वाने का. हाँ तो 5 दिन हो गए टोटल. And I think my inspiration for kickboxing is Tiger because I really want to kick that high like he does. And you know, strangely, I've never got any interest or time to educate myself in terms of reading. So I've been reading a lot of books lately, and I've been reading a lot of romantic books, in fact. And next, what I really want to do is that I really want to read the mythological books that we have. जो हमारे रामायण है, हमारी भगवद गीता है, जिसके बारे में हमें अपर लेयर पे सब पता है पर डिटेल में कुछ नहीं पता. तो अगली बार अगर मुझे कोई ऐसे सवाल पूछते हैं हमारी सभ्यता के बारे में तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा मुझे. ओके डेजी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप बायोपिक पे काम करना चाहेंगी, लेकिन किसकी बायोपिक पे काम करना चाहेंगी वो आप अभी श्योर नहीं है? नहीं पर मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, उनमें से काफ़ी लोगों ने कहा है कि मेरी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं मुमताज जी से रिलेट करती है क्योंकि वो भी शायद एक डांसर थी और बाद में वो एक्टर बनी. तो इन दैट वे आई रिलेट विथ हर. सो आई थिंक मुमताज जी इज समवन हुम आई रियली वुड लाइक टू डू अ बायोपिक. थैंक यू सो मच, वी गॉट द स्टोरी. अनदर वन डेजी, यू नो बायोपिक का वापस कंटिन्यू करता हूँ. अभी यू नो संजय दत्त साहब पे बायोपिक बन रही है. सलमान की जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं. क्या आपको लगता है सलमान पे भी बायोपिक बनना चाहिए? देखिए बायोपिक उन पे बनती है ना जिन जो सीनियर लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है. सलमान जी के हिसाब से वो आज भी 27 साल के ही है और हम मानते भी है वो 27 साल के, ठीक है. तो जब तक वो सीनियर लेवल पे पहुंचे तब तक हम शायद मैं किसी माँ का रोल करने लगूंगा. नहीं आपको लगता है उनकी जिंदगी बहुत दिलचस्प रही है? हर बहुत ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग रही. इनफैक्ट आप लोगों की वजह से इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि उनकी इनसाइड स्टोरी के बारे में तो हमें किससे भी नहीं. I know, but then that's what I'm saying. मतलब उसको मिर्च मसाला लगाना तो आपसे किसी को सीखना पड़ेगा. Still want to ask you, do you think बनना चाहिए? Do you agree with this? Of course, yes. Why not? There are like millions of fans outside, you know, and they really want to know what's happening with his life. जैसे संजय दत्त के बारे में जो बायोपिक बनी है, उनके फैंस देखना चाहते हैं कि उनके लाइफ में क्या-क्या इंस्टेंसेस हुए, क्या-क्या चैप्टर्स रहे. तो एज अ फैन
आई थिंक सलमान खान के ऊपर भी बायोपिक बननी चाहिए. थैंक यू सो मच. एनी मोर क्वेश्चंस? ऑल डन. मेरा एक क्वेश्चन शबीना जी के लिए, जिन्होंने ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किया है गाने को. कैसा एक्सपीरियंस था? वो तो उन्होंने बता दिया पैर तोड़वाने का. डेजी जो ऑलरेडी बहुत अच्छी फाइन डांसर है, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा पीछे, क्योंकि डेजी और मैं एक ही मास्टर के यहाँ से सीख कर निकले हैं. मैं असिस्टेंट हुआ करती थी, फिर मेरे बाद डेजी. सो बिकॉज डेजी इज़ अ वेरी गुड डांसर, तो जब गोविंद जी के यहाँ से मुझे कॉल आया, दे सेड हमें प्रेम रतन धन पायो जैसा गाना करना है. तो आई आस्क्ड देम कि हु इज द गर्ल, दे सेड डेजी शाह. तो आई सेड व्हाट इफ आई गिव यू अ बेटर सॉन्ग देन दैट, बिकॉज मेरे पास डेजी है जिसके साथ मैं कितने भी बड़े शॉट ले सकती हूँ, कितनी भी डिफिकल्ट स्टेप और कितनी भी चार्मिंग स्टेप, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोरियोग्राफी जो होती है वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि डेजी इज़ अ वेरी गुड डांसर. तो एक डांस डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मेरी टैलेंट को मैं आगे कैसे पहुँचाऊँगी, उसी के ज़रिए जो उसको ठीक से कर पाए. जब डेजी का नाम आया था, आई वॉज रियली एक्साइटेड. और मैं ये भी बता दूँ कि मैंने प्रेम रतन से ज़्यादा मेहनत और प्रिपरेशन इस गाने के लिए की है. तो वो रिजल्ट जब दिखाई दे रहा है तो आई एम रियली हैप्पी. और मैं नॉर्मली एज ए टेक्नीशियन छोटे छोटे कट्स में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो ऑरा वापस आ जाए. जब सरोज खान और माधुरी दीक्षित के गाने होते थे तो लोग खुद ब खुद नाचने लगते थे, मैं खुद बड़ी हुई हूँ. वो इसलिए क्योंकि हम गानों को उस तरीके से एडिट नहीं करते थे, एक्टर म्यूजिक पे परफॉर्म करता था. वो मैंने इस गाने में किया है. इतने बड़े बड़े शॉट मुझे नहीं लगता कोई भी एक्ट्रेस, भले सब नाराज़ हो जाए मुझसे, लेकिन मैंने अपने करियर में अब तक इतने बड़े बड़े शॉट किसी एक्ट्रेस से नहीं करवा पाई, फीमेल एक्ट्रेस से, जो मैंने डेजी से करवाए. उतनी एनर्जी, उतने ही अच्छे एक्सप्रेशंस. बहुत डिफ़िकल्ट रहा ये, लेकिन हम दोनों ने मिलकर इसको पॉसिबल किया. एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माई प्रोड्यूसर्स एंड गोविंद जी. प्रोड्यूसर्स ने मुझे हर वो चीज़ प्रोवाइड की जो मैं चाहती थी. एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये करोड़ों वाली फिल्म नहीं है. लाइक यू नो, हम कहते हैं कि चलो सूरज बजाते की फिल्म थी तो मुझे सब कुछ दिया गया, लोगों ने ये भी बोला, तो सब कुछ मिले तो कोई भी कुछ भी कर सकता है. लेकिन इस गाने पे मुझे एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दे प्रोवाइडेड मी एवरीथिंग. कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं हुआ, रिहर्सल से लेकर हमारे कॉस्ट्यूम बनने से लेकर एग्जैक्टली एवरीथिंग मेहनत दिखाई दे रही है. आई एम सुपर एक्साइटेड. आई नो और यूट्यूब पे चल रहा है गाना, बहुत सारे ऑलरेडी कॉल्स आए हैं, बहुत लोगों को पसंद आया है गाना. या वी आर वेरी एक्साइटेड. कितने दिन लगे थे इस गाने को शूट करने में? चार दिन वी शॉट. एंड प्रिपरेशन मेरा मेरी टीम के साथ 1.5 महीने पहले से शुरू हुआ था. तो 1.5 महीने पहले कॉस्ट्यूम के डिज़ाइनिंग, आर्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि गोविंद जी का जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बुलाया, दे सेड दैट आई विल गिव यू एवरीथिंग शबीना जी, लेकिन मुझे प्रेम रतन से बड़ा गाना चाहिए. और आई थिंक ही इज़ हैप्पी विद द रिजल्ट, गोविंद जी. या एक्चुअली इट गोज विद द फिल्म स्टोरी. व्हाट यू आस्किंग मी इज स्टोरी आज की है. फिल्म में अगर आप ये गाना देखोगे, उस मोड पर आता है जहाँ पर फैमिली, जो आज की फैमिली है फिल्म में जो दिखाया गया है, वो जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाने जा रही है. तो बिकॉज आज के लोगों ने इस गाने को प्रिपेयर किया है, ये आज का है, तो हम उस ज़माने में नहीं कर रहे. तो ये आज की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से किया गया है. वो ख़ास इसलिए किया गया, वो भी था दिमाग में मेरे, कि मुझे किशन जी की तस्वीर बनानी थी. अगर आपने देखा है किशन जी के वो सारे रूप थे, तो गोपियों के बीच में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. तो मेरा आइडिया ये था कि मैंने डार्क लड़कियों को पूरा पेंट किया है एक तरफ, और एक तरफ मुझे फेयर लड़कियाँ चाहिए था. तो कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड फेयर. नहीं, बल्कि हमारे इस गाने में नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. एक्चुअली हमारे गाने में, लाइक जहाँ से मैं आई हूँ, हम लोग सबसे ज़्यादा पुराने डांसर्स को काम देते हैं. तो मुझे इस गाने में आपने देखा है, लाइक नियर अबाउट 200 डांसर्स डांसिंग. वो फॉरेनर तो सिर्फ 12 लड़कियाँ होंगी मुश्किल से,
लेकिन उसके अलावा ये गाना 100 में भी हो सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट को बनाकर बताकर किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं है, ये बात हमेशा कोरियोग्राफर से पूछी जाती है, बट ये नहीं है बिल्कुल। हमें हमारे वर्करों की फिक्र है और सारे कोरियोग्राफर्स में एक मैं ही खड़ी थी वहाँ पर फिल्म सिटी के बाहर सरोज खान के साथ, कोई और नहीं था कोरियोग्राफर, सिर्फ मैं खड़ी थी वहाँ पर, वर्करों का साथ दिया है 6 दिन की स्ट्राइक में। ये तो सवाल हम दोनों को पूछना चाहिए ना, क्योंकि हम दोनों वहाँ से आए हुए हैं। आई डोंट, मतलब मैंने उनकी भी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है गणेश जी के। हाँ नहीं बनना चाहिए कि नहीं, वो पूछना आई थिंक बनना चाहिए। आप अगर बनेंगे तो आप काम करेंगे? वो मेल है, मैं फीमेल हूँ, मैं कैसे उनके बायोपिक में काम कर सकती हूँ? मीन वो थोड़ा वियर्ड हो गया ना क्वेश्चन। अगर आप कोई फीमेल बायोपिक के बारे में आप पूछेंगे और मैं उन पे काम करना चाहूँगी तो डेफिनेटली करना चाहूँगी, पर एक मेल बायोपिक के, मेल बायोपिक का कैरेक्टर मैं कैसे प्ले कर सकती हूँ? मीन अगर बायोपिक करना ही है तो की कैरेक्टर प्ले करना है ना, साइड कैरेक्टर प्ले करके तो मतलब नहीं है। आप मेरे ख्याल से आपको ऋषि को पूछना, ऋषि वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ मेल बायोपिक? पहले तो यहीं पर निपटा लेते हैं ना, तो अच्छा कहानी यहाँ से शुरू हुई है। तो आजकल कैसे तो मतलब जेंडर चेंज करेंगे हम क्या? कुछ तो हमें करना पड़ेगा। नहीं वो मैं करूँगा, मगर अगर तेरे को करना है तो कैसे जेंडर चेंज कुछ तो करेंगे ना यार, जब करना है तो काम करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जेंडर चेंज देखते हैं यार, अभी बहुत यार बहुत साइंस आगे जा चुकी है, देखते हैं।